आज मुझे किर्गिस्तान का वीज़ा मिल गया है। एम्बेसी में जाके मैंने वीज़ा ले लिया था, अप्लाई मैंने पहले ही कर लिया था, बट आज जाके मैंने फिर वीज़ा ले लिया है। तो अब मैं रात को निकल गया हूँ किर्गिस्तान के लिए। तो यहाँ से मेरी ट्रेन है अंडीजान के लिए तस्केंट से, 6-7 घंटे की जर्नी है, रात को 1 बजे की ट्रेन है, एंड सुबह 7 बजे पहुँच जाऊँगा अंडीजान। फिर वहाँ से बॉर्डर है 1 घंटा, एंड वहाँ से 1 घंटे का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद 1 घंटा और लगेगा ऑस में। ऑस इनका एक पुराना हिस्टोरिक टाउन है एंड बड़ा सिटी भी है किर्गिस्तान में। तो कल मैं ऑस में रुकूँगा एक दिन, 1 या 2 दिन रुक के फिर मैं बिश्केक के लिए निकल जाऊँगा। तो मैं अभी आप लोगों को आगे का जर्नी दिखाता हूँ कि आगे का जर्नी कैसे है। मैंने आज दिन में ही चेकआउट कर लिया था वैसे, तो ऐसे ही घूम रहा था एंड टाइम काफ़ी था मैं टाइम पास करके। अभी मैं 3 घंटे पहले ही पहुंच गया हूँ स्टेशन में, तो थोड़ी देर यहाँ बैठूँगा। स्टेशन के अंदर खाने पीने का भी ऑप्शन है एंड प्राइस रीज़नेबल है, कि पहले भी यहाँ से मैं कीवा एंड वहाँ के लिए यहीं से ट्रेन लिया था मैंने। एंड और यहाँ पर ट्रेन में ट्रेन के अंदर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा वैसे, यहाँ पर क्या कि AC वाले सीट्स है वो लास्ट माउंट पर नहीं मिलता, पर नॉर्मल जो स्लीपर वाला है लास्ट मोमेंट में भी आओगे तो मिल जाता है। मतलब ऐसे ना 3-4 दिन पहले दिख मतलब आपको नहीं शो करेगा, सीट्स नहीं होगा, बट हमारे यहाँ इंडिया में तत्काल होता है उस टाइप का। यहाँ पर भी 2 दिन या 3 दिन पहले अचानक से बहुत सारी सीट अवेलेबल हो जाएगा। इंडिया की तरह ये कि यहाँ पर सोल्ड आउट नहीं होता, यहाँ पर सीट्स हमेशा अवेलेबल रहता है ना कुछ। तो अगर 1-2 दिन पहले भी कराओगे तो नॉर्मल स्लीपर वगैरह मिल जाता है, बट अगर हाँ अगर बुलेट ट्रेन बुक कराना है तो कम से कम 8-10 दिन पहले बुक कराना पड़ता है, नहीं तो नहीं मिलता उसका सीट्स। तो मेरी जो अभी ट्रेन है वो अंडीजान तक एक स्टेशन है, वहाँ जा रहा हूँ। बाकी अभी मैं ज़्यादा कुछ वीडियो बनाऊँगा नहीं ट्रेन का, क्योंकि हमेशा ही सेम ही ट्रेन है, तो इसलिए कल से आपको मैं बॉर्डर के बाद ही दिखाता हूँ पहुँच के या फिर बॉर्डर क्रॉसिंग के टाइम पे, और कौन सा व्हीकल लूँगा कैसे क्रॉस करूँगा वो दिखाता हूँ आपको। और फर्स्ट फ्लोर में एक छोटा सा फूड रेस्टोरेंट जैसा है, तो मुझे वहाँ जाके कुछ डिनर कर लेता हूँ, आगे फिर जगह बैठ जाऊँगा। Nandini Sakte, Mumbai. Yes. Yeah. आज लकीली मुझे चिकन लगवान एंड चिकन सॉसेज मिल गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। मतलब यूजली मिलता नहीं है, बीफ का होता है, अच्छा है काफ़ी टेस्टी। तो अभी भी वेट कर रहा हूँ मैं ट्रेन का, रात के 1 बजे की फ्लाइट है। एक चीज़ नोटिस किया मैंने, वैसे तो डेली यहाँ पर 1 बजे तक जागा रहता हूँ कुछ टाइम पास वीडियोस इंस्टाग्राम में, मतलब जब ट्रेन का वेट करना होता है तो हमेशा नींद आ रही होती है। 1 घंटा बाकी है, बस वेट कर रहा हूँ फिर वाले। अभी ज़्यादा लोग भी नहीं आए स्टेशन, बहुत कम ही लोग हैं, खाली खाली सही है। ये स्टेशन है और ऐसी वाली बसेज हैं। भाई जो बॉर्डर का नाम है दोस्तियाँ, तो दोस्तियाँ तक जाती है। तो अभी ये बस आके बैठ गया हूँ,
यहाँ पे मिनी बसेस टैक्सी एंड बसेस चलती है। मिनी बसेस तो मुझे मिली नहीं शेड वाली, एंड टैक्सी एक्सपेंसिव होता है, एक घंटे का राइड है, तो मैं बस आ गया। एंड यहाँ से डायरेक्ट बसेस भी हैं ऑश के लिए, बट फिर मिलेगा कि बॉर्डर क्रॉसिंग बताएंगे कितना टाइम लगे, एंड वो बस छोड़ के चली जाएगी। जैसे मैंने ये बॉर्डर तक ही बस ली है, तो छोटी वाली इमिग्रेशन की लाइन में पहुंच गया हूँ। इमिग्रेशन क्रॉस करके फिर बाद में और वीडियोस बनाता हूँ। सो फाइनली क्रॉस कर लिया है, एंट्री कर लिया किर्गिस्तान में। Burada olur diye almayayım ha. Ben maşet durumu alışım gereğine. Beş kum alışım. Özür dilerim. Beş kum ben bilmiyorum ben de. 113-74 sanırım. 113-74 düşünüyorum. यहाँ पर डॉलर चेंज कर लिया है, डॉलर का अच्छा रेट मिल रहा था। बॉर्डर क्रॉस करते ही यहाँ करेंसी एक्सचेंज है, तो जो गूगल में रेट दिखा रहा है उतना ही रेट मिल रहा है। यहाँ से मैं एक बस लेके अपने होस्ट से घर जा रहा हूँ। यहाँ से ऑस अराउंड 18 किलोमीटर ही है बॉर्डर से, तो आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा, तो वहाँ जाके सिम भी लेता हूँ। तो यहाँ पर भी पूरी मिल रहा है भाई लोग। ओह दे हैव मेन्यू। सो बॉर्डर क्रॉस करके मैंने डिसाइड किया है कुछ खा लेते हैं, एंड उसके बाद और जाएंगे। एंड दी करेंसी ऑलमोस्ट रूबल्स के बराबर है, तो इंडियन रुपीस से सिमिलर है, तो यहाँ कैलकुलेट करना बड़ा ईजी है। जैसे मैंने ये चूज़ किया, ये 50 किर्गिस्तान का है, यहाँ पर किर्गिस्तान यूज़ करते हैं, तो मतलब इंडियन रुपीस में करीब करीब 40 रुपये हो गया। ये ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, एंड मीट माई फ्रेंड सिनेम। तो ये भटूरे की तरह है, जैसे भटूरे के अंदर मीट का फिलिंग है और आलू का फिलिंग है। सो मैंने यहाँ पर बी लाइन का सिम ले लिया है, एंड इंडियन रुपीस में 550 नहीं, इनकी करेंसी में 550 से पड़ा, तो इंडियन रुपीस में 500 रुपये का होगा। एंड एक महीने के लिए अनलिमिटेड डेटा है, इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड उज्बेकिस्तान में भी सिमिलर प्राइस मैंने पे करा, बट 35 GB डेटा मिला था, यहाँ पर अनलिमिटेड मिल गया है। एंड एक चीपर प्लान लिखा 160 कुछ किर्गिस्तान, जो कि इंडियन रुपीज़ में 150 रुपीज़ के आसपास हो गया, उसका 10 GB डेटा मिलता है। हम लोग दो लोगों ने नाश्ता किया यहाँ पर, चार पूरी एक चाय और एक शरबत, तो किर्गिस्तान का मिल रहा है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 9 रुपीज़ चीप है ये भी। अभी किर्गिस्तान में एंटर तो हो चुके हैं, एंड यहाँ आगे थोड़ा क्योंकि वो डेवलपमेंट का फर्क पता चल रहा है, उज्बेकिस्तान थोड़ा ज़्यादा डेवलप लग रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब इंडिया में सिटीज़ होती है, इंडिया में बहुत सारे बस स्टैंड पर आने में वाले वैसे ही है, सब कुछ थोड़ा सा केओस है। एंड वेट कर रहा हूँ बस का, देखते हैं कि होपफुली कैसी बस है यहाँ पर। सो इस टाइप की यहाँ पर बसेस चलती हैं जो सिटी सेंटर ले जाएगी, एंड प्राइसेस 30-40 सोम ही है किर्गिस्तान। एंड यहाँ पर यानडेक्स भी चल रहा था, तो मैंने यानडेक्स से टैक्सी बुला लिया, जो कि 150 किर्गिस्तान का ही है थोड़ा सा। अभी तक कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान में सब कुछ मतलब कि बहुत वेल मैनेज था, मतलब वहाँ पर रेगुलेशन बहुत फॉलो करते हैं, ट्रैफिक वगैरह सब कुछ थोड़ा ज़्यादा, और यहाँ के सबका ड्राइविंग अब इंडिया जैसे हो गया है। एंड यहाँ पर हर जगह कोई कहीं पर भी गाड़ी ले जा रहा है, कोई किसी के लिए नहीं रुक रहा। एंड बाहर का नज़ारे भी देखो तो आपको इंडिया वाली फीलिंग आ जाएगी। सभी मैं घूमने निकल गया हूँ यहाँ पर,
samosa? Yes. Two. तो ये बेक समोसा होता है यहाँ पर, हमारे यहाँ फ्राइड होता है, इनके यहाँ बेक्ड होता है। अंदर से जाते मीट या किसी का भी फिलिंग कर देते हैं लोग। थोड़ा ड्राई है ये समोसा, बेक्ड है तो इंडिया जितना टेस्टी नहीं है, बट हाँ समोसे जैसा शेप है तो थोड़ा महंगा भी है, अराउंड 60 रुपये का इंडियन रुपीज़ में। सो भाई लोग, आज मैं अपने मैं वॉश में था तो मेरे भाई जब होस्ट है भाईजान को अच्छे से हिंदी आता है। अच्छा तो नहीं, अच्छा हो जाएगा। भाईजान इंडिया में भी आए थे, काफी हिंदी बोलते हैं, अच्छे से पूरा समझते भी है। एंड भाईजान अभी बिरयानी बना रहे हैं। बिरयानी तो भाईजान एकदम प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल शेफ, एंड एकदम बिरयानी बना रहे हैं एकदम जैसे इंडिया में हम लोग बनाते हैं वैसे ही। अभी हमारा बिरयानी ऑलमोस्ट 70% रेडी हो गया है, वहाँ पर चिकन रेडी है, यहाँ पर वाटर बॉइलिंग हो रहा है, राइस हो जाएगा फिर हम शिफ्ट करेंगे। एंड हमारे मुस्लिम भाई जान एकदम प्रो शेफ। सो किसी को भी बिरयानी बनाना सीखना है तो भाई जान को कॉन्टेक्ट करें रेसिपी के लिए। I'm just saying, if anybody wants to learn how to make biryani, contact him. Achi? Achi? Oh, look there. She also prepared. It's fried onion. But people will not believe like Turkey. Yeah. It will be difficult for Indians to believe like one guy who lives in Pakistan and he's making professional biryani. Like 70% of the Indian, they can't make biryani like this. Oh, look. Wow. It's so wonderful. Like you can see the rice, it's like standing. Mm. So this means that it's ready. Yeah? Yeah, like it's ready and like all the moisture is gone. Okay. Wow. So like, it's ready to eat. So Bhaijan, how did you learn how to make biryani? I like biryani. This is why I look in internet and I find one guy. He's also local. YouTube se seekha? Yeah, main uska dekhta tha how he is prepare. Uske baad main internet mein dekhte hain aur uske saath देखने के साथ आपका स्टोमक फुल हो जाएगा तो ये भी बहुत अच्छा। I had biryani in Tashkent, but it's like much more closer to Indian biryani than the restaurant made. So भाईजान ने बहुत ही अच्छा बिरयानी बनाया, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना अच्छा बिरयानी बन सकता है इंडिया के बाहर कहीं पर। मतलब इतना अच्छा बिरयानी तो घर पे नहीं बन सकता, मतलब रेस्टोरेंट में बनता है, घर पे तो बहुत इम्पॉसिबल है, बट बहुत अच्छा बिरयानी बनाया, बहुत धन्यवाद।